आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शन होता क्या है, देखो बेटा, अब फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ द होल। जैसे आपके पास कोई चीज़ होती है, मान लो आपके पास एप्पल है, ये बड़ा सा, ठीक है, ये आपके पास। अगर आप दो भाई हो तो आपको इसे हाफ हाफ करना होगा, यानी कि आप इसको डिवाइड करोगे, आधा एक भाई ले लेगा आधा एक। तो जो आधा पोर्शन है वो पूरा एप्पल में से ही तो आधा किया है आपने, तो उसे आप क्या कहोगे, हाफ ऑफ अ एप्पल, यानी कि पूरे एप्पल का आधा। तो जो आधा हो गया वो फ्रैक्शन हो गई आपकी, पूरे पार्ट का फ्रैक्शन हो गई। जैसे ये हाफ है, ये लिखा मैंने, ये एप्पल जो है फ्रैक्शन हो गई। जैसे मैं ये दो पार्ट में कर दिया मैंने, एक एप्पल ये हो गया, एक एप्पल ये। अगर इसको हम साथ में रख दूँ तो ये पूरा एप्पल बनेगा, ये दोनों पूरे एक एप्पल के ही तो पार्ट हैं। हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है, ओके। अब फ्रैक्शंस देखो, इसमें ये लिखी है 1/2, 1/3, ये सारी आपकी फ्रैक्शंस कहलाती है। इसमें जो ऊपर वाली टर्म होती है, जैसे ये आपके पास 3/5, इसमें जो 3 है ये आपका कहलाता है न्यूमरेटर, ठीक है। इसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यूमरेटर को। नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाता है डिनोमिनेटर, ओके। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये देखो, एक पूरा रेक्टेंगल था, इसमें बीच में लाइन ड्रॉ की हमने, तो ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। यहाँ देखो, यहाँ एक सर्किल था, उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, तो वैसे तो इसके पार्ट्स हो गए। अब इसमें एक पार्ट में शेड कर दिया, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4। जो टोटल होता है उसको नीचे लिख देते हैं, और जो शेडेड पार्ट होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो ये आपकी 1/4 फ्रैक्शन बन गई, ओके। फिर है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज फ्रैक्शन 3/9, यानी कि जो 3 है वो आपका आएगा न्यूमरेटर की जगह, और 9th जो आएगा वो 9th। इसका मतलब ये है कि 9 में से 3 पार्ट, 2/10, यानी कि 10 में से 2 पार्ट्स, 2/10। अब आपको पता है, अगर मैं कहने लगूं कि अ डे इज़ 5 आवर्स, यानी कि एक दिन में 5 आवर्स, कितना फ्रैक्शन होगा इसका। तो हमें पता है वन डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और हम 5 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, 24 आवर तो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे टोटल, और 5 आपके न्यूमरेटर में आ जाएंगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हुआ, अ डे इज 14 आवर्स, यानी कि एक दिन में आपके 24 आवर आ गए, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 14/24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 7/12 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एन आवर इज 20 मिनट, एक घंटे का 20 मिनट। तो हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 20/60, दैट मीन्स 1/3। अब आपकी एक्सरसाइज आती है 7.1। यहाँ हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं और हमें पोर्शंस को शेडेड करना है, सॉरी शेडेड पोर्शन दिया हुआ है हमें, और हमें फ्रैक्शन लिखने हैं। यहाँ देखो, इसके कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, और शेडेड कितने हैं, 3 पार्ट शेडेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 3/4। क्वेश्चन 3rd है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन पिक्टोरियली। पिक्टोरियली का मतलब होता है पिक्चर की फॉर्म में, 2/3, यानी कि टोटल पार्ट कितने हो गए, 3। जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपके टोटल पार्ट्स होते हैं, और जो न्यूमरेटर में होता है वो आपके शेडेड पार्ट्स होते हैं। तो टोटल 3 हो गए, ऊपर 2 हो गए, ओके, तो आपका ये जाएगा 2/3। 4th क्वेश्चन, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन दे रखी है आपको 11/18, इसमें ऊपर जो है वो 11 है, वो न्यूमरेटर हो गया आपका, और जो आपका नीचे है 18, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, राइट द फ्रैक्शंस विद फॉलोइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन दस ऑब्टेंड इन वर्ड्स। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखे थे, हमें इनसे फ्रैक्शन लिखनी थी। तो हमें पता है न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू 4 दे रखी है, डिनोमिनेटर की 11 दे रखी। फिर इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, तो 4 ऊपर हो गया, जो न्यूमरेटर में उसे वो पहले आ गया 4, और जो नीचे है इसे 11th बोलते हैं, ओके। इसमें आप THS लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन 14 out of 17। हम जैसे कहते हैं कि आपके 10 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, यानी कि 10 न्यूमरेटर में हो गया, 20 डिनोमिनेटर में हो गया, ऐसे ही 14 out of 17, 17 में से 14 मिला, तो 14/17 हो गया। फिर आता है 7th क्वेश्चन, कंसीडर नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 25, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। देखो हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 से 25 तक लिखने थे, हमने लिख लिए, कितने होते हैं 25, यानी कि जो टोटल नंबर हो गए हमारे पास वो आ गए 25। अब हमने 1 से 25 के बीच में जो प्राइम नंबर होंगे वो लिखेंगे, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये टोटल 9 हो गए। ओके, तो जो आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगी वो आपकी आ जाएगी 9/25। अब क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज अ डे, एक दिन पूरे वीक का कितना फ्रैक्शन होगा, इन्होंने ये कहा है। तो देखो हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/7, 1 डे की बात कर रहे थे, टोटल हमारे पास 7 डे होते हैं, तो 1/7 आ जाएगा आपका। फिर आता है डी पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज 8 मंथ, एक ईयर की 8 मंथ्स की एक ईयर से क्या फ्रैक्शन होगी। ओके, तो देखो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी 8/12, इसको सिंपलेस्ट करोगे तो 2/3 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइंस, हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे। तो देखो बेटा, देखो अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो जब हमें पता है 1 होल की बात हो रही है, तो हमने 0 से 1 तक जितना पूरा पोर्शन है, सॉरी जितना ये पूरा पोर्शन होगा ये आपका हो जाएगा पूरा 0 से 1 तक कंप्लीट होल। अगर हमसे कहा कि हाफ, तो हमने इस वन, इस पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये आपका एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, तो हमने हाफ को यहाँ तक ब्लू लाइन से मार्क कर दिया। फिर अगर आपसे कहा जाए 1/6, तो देखो हमने इस पूरे 1 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपसे कहा जा रहा है 1/6, तो 0 से 1/6 फर्स्ट पार्ट तक जाएंगे, तो ये आपका 1/6 बन जाएगा। अब एक्सरसाइज है 7.2, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड इन रेड इंक ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ देखो इसमें रेड इंक पे आपका दिखा रखा है, यहाँ लास्ट में 0 से स्टार्ट हुए हैं ये, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 को हम 1 लिखते हैं, तो यानी कि ये 1 को हमने, ये 1 है हमारा, इस 1 को हमने 0 से 1 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और यहाँ 5th पार्ट तक हमारी रेड लाइन गई है, तो ये आपका 5/8 हो जाएगा। ओके, अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अभी तो हमने नंबर लाइन को देख के फ्रैक्शन लिखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, अब हमें फ्रैक्शन को देख के नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें पता है जो नीचे लिखा होता है वो टोटल पार्ट होता है, यानी कि देखो यहाँ पे 4/5 है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो जो डिनोमिनेटर में होता है हमें 0 से लेके 1 तक जो हमारे पास नंबर लाइन है उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, और जो 5th पार्ट होगा वो हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इस 5/5 को हम 1 लिख सकते हैं, हमें 4/5 तक मार्क करना था, तो हम 0 से 4/5 तक डार्क कर देंगे इसको। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 0 से 4/5, ये यहाँ थोड़ा ये 0 से जाएगा, 0 से 4/5 तक जाएगा, ये आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर 0 से 1 तक के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम 0 से 1 को अपनी मर्जी से कितने भी पोर्शन में, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कभी हमें 8 पार्ट्स चाहिए होते हैं तो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कभी हमें 5 पार्ट्स चाहिए होते हैं तो हम 5 पार्ट्स में। देखो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में हमने 0 से 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसमें हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि 0 से 1 तक कितनी फ्रैक्शंस लाई करती हैं, तो ये आती हैं आपकी इनफाइनाइट। ओके, फिर देखो आपका आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे हम
स्कूल में भी या हम जब भी पढ़ते हैं हम कहते हैं प्रॉपरली वर्क करो, आप इम्प्रॉपर हो, तो कुछ चीज़ें इसी से रिलेट होती हैं। अब यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, हमारे पास फ्रैक्शन में देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। जब जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शंस हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखो एन लेस देन डी, यहाँ 17/18, 5/6, जो न्यूमरेटर है 17 है, छोटा है डिनोमिनेटर से क्योंकि डिनोमिनेटर 18 है। ओके, अब आपका आता है देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं 1 से, क्योंकि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगे अगर आप डिवाइड करोगे, तो पॉइंट्स तो हमेशा 1 से छोटे होते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। जैसे 3/2, इसमें 3 बड़ा है 2 से, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। या 2/2 होता तो ये भी आपकी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती। 2 से आप 3 को डिवाइड करोगे आपको 1 से ज़्यादा मिलेगा, 1.5 मिलेगा, ऐसे ही 2 से आप 2 को डिवाइड करोगे 1 मिलेगा। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो या तो 1 के इक्वल होती हैं या 1 से बड़ी होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शंस हैविंग द न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ये जो सिंबल है ऐसे, इसका मतलब है ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 3/2, 9/8, 7/7। अब आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी वो फ्रैक्शंस होती हैं जब हमारा एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे मैं लिख दूँ 1/2/3, तो देखो ये जो पार्ट है ये आपका होल पार्ट कहलाता है, और जो आपका ये 2/3 है ये आपका फ्रैक्शन है, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, फ्रैक्शन है ये आपकी। जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं उनको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग ए होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, 1/10/3, इसमें 1 जो है वो आपका होल नंबर पार्ट है, 10/13 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेस करने वाली बात बताई, चेंज करने वाली, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ आपका देखो ₹15.27 इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ हमें 15 रुपये और 27 पैसे को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो हमें पता है 100 पैसे में 1 रुपये होता है, तो 1 पैसे में 1/100 रुपये होंगे, 27 पैसे में आपके 27/100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये आपके ₹15.27, इसको हम 15 प्लस, हमने 27 पैसे को रुपीज़ में चेंज कर लिया, 27/100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15/27/100। ये आपका 7.3 है एक्सरसाइज। न्यूमरेटर इज 5 एंड द डिनोमिनेटर इज 7 मोर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 5 है एंड डिनोमिनेटर इज 7 मोर देन द न्यूमरेटर। हमें पता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है 7, तो न्यूमरेटर 5 है और उसमें हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपका हो जाएगा 5/12। फिर आपका डी पार्ट है, इसमें सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। तो हमें पता है हमें ऐसी फ्रैक्शंस बनानी है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 हो, तो हम 1/7 लिखे हैं, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर आपका 2/6, उसको 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3/5, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट, राइट 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 8। हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो हमें पता है डिनोमिनेटर में तो 8 रखना है, तो न्यूमरेटर में हम कुछ भी रख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 कुछ भी रख सकते हैं, बस वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अब आपका थर्ड क्वेश्चन कि इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो 27/5, तो इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, यहाँ जो रिमाइंडर बचा 2, तो जो आपका ये आता है क्यूशेंट ये तो आप साइड में रखते हैं होल पार्ट, और जो आपका रिमाइंडर बचता है उसे आप न्यूमरेटर की जगह रखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका डिनोमिनेटर की जगह रहता है, तो ये आपका बन जाएगा 5/2/5।
ऐसे ही 338 अपॉन 100 करोगे तो 100 से 338 को डिवाइड करते हुए आपको मिलेगा 38 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 आपका होल पार्ट में आ जाएगा, 38 अपॉन 100 आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए, जो हमारा होल पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। यहाँ 7 × 5 करेंगे फिर 3 ऐड करेंगे, वो आपको मिलेगा 35 + 3, तो आ जाएगा 38/5। ऐसे ही 25 × 7 करेंगे +2, तो आपको मिलेगा 175 + 2, 177/7। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स फ्रैक्शन, जैसे अभी एग्जांपल में हमने किया था ₹15.27, ऐसे इसको करेंगे हम। 23 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, हमें पता है 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएंगे, 23 मीटर में आपके 23/1000 किलोमीटर हो जाएंगे। फिर 13 + 23/1000 करेंगे आप, तो ये आपका बन जाएगा 13 whole 23/1000। ओके, देखो यहाँ आपको पता चल गया ये फ्रैक्शन बन गई आपकी। फिर जस्ट लुकिंग एट ए फ्रैक्शन कैन यू टेल वेदर इट इज़ अ लेस देन और इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन, इफ़ येस एक्सप्लेन हाउ। देखो जब हम फ्रैक्शन देखते हैं उससे देख के बता सकते हैं कि इक्वल वन होगी या ग्रेटर देन वन होगी। मैंने आपको बताया था जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है तो फ्रैक्शन जो होती है आपकी वो लेस देन वन होगी, जब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा तो फ्रैक्शन वन के इक्वल होगी, और जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन वन होगा तो फ्रैक्शन भी ग्रेटर देन वन होगी। ठीक है, ये आपके 3 एक्सरसाइजेस थी, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, बाकी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके।